हेलो एवरी वन वेलकम टू आवर चैनल वी आर गोइंग टू डिस्कस इनसाइट आयर्स डेली करंट अफेयर ऑफ फिफ्थ ऑफ फेब्रुवरी ट्वेंटी ट्वेंटी वन मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से सिक्स न्यूज़ हैं आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से दो न्यूज़ हैं एंड आई हैव रिसिव मेल्स रिगार्डिंग कि एक टू ईयर या वन ईयर स्ट्रैटेजीज क्या किस तरीके से करनी चाहिए यू के प्रिपरेशन की ठीक है अगर आपके पास एक साल हो कम्प्लीटली या दो साल हो ठीक है अगर आप कॉलेज में हो या फिर आप वर्किंग प्रोफेशन में हो तो किस तरीके से आप हमारा जो टाइम है यू के प्रिपरेशन के लिए डिवोट करें इसके रिगार्डिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा मेल्स आए हैं सो यस आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो रिगार्डिंग द स्ट्रैटेजीज सो so, uh, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से आप अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो और कितना टाइम कौन से सब्जेक्ट को डिवोट कर सकते हो सो विद इन फ्यू डेज और आई एम गोइंग टू अपलोड द वीडियो रिगार्डिंग दिस सो प्लीज़ डू स्टे कनेक्टेड एंड लेट्स स्टार्ट आवर टू डेज डिस्कशन तो जी एस टू से न्यूज़ है एंड द न्यूज़ इज़ प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना तो इस बार ये जो स्कीम है ठीक है दे इट हैज़ क्रॉस वन पॉइंट सेवन फाइव करोड़ एलिजिबल वुमेन टिल द फाइनेंशियल ईयर 2022 ट्वेंटी सॉरी 2020 ठीक uh, है तो 1.75 इतने करोड़ जो एलिजिबल वुमेंस है ठीक है उन्होंने ये स्कीम में कंट्रीब्यूट किया है ठीक है तो ये अभी स्कीम के बारे में अगर देखा जाए तो ये मैटर्निटी बेनिफिट प्रोग्राम है जो मेनली इम्प्लीमेंट किया जाता है हर एक डिस्ट्रिक्ट में इन द कंट्री एंड इट इज अंडर द प्रोविजन्स ऑफ अ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ट्वेंटी अंडर दिस प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना प्रेग्नेंट वुमेन और जो लैक्टेटिंग वुमेन होते हैं उनको पाँच हज़ार तक जो है और उनको पे, पेमेंट मतलब रुपीज़ दिए जाते हैं ऑन द बर्थ ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड इन द थ्री इंस्टॉलमेंट ठीक है तीन इंस्टॉलमेंट में दिए जाते हैं एट ऑल इट एक्सक्लूड दो प्रेग्नेट वूमेन एंड द एक्टेटिंग वुमेन हु आर अ रेगुलर एम्प्लॉय विद द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट और द पी एस ठीक है तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में जो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट uh, में है ठीक है उस वुमेन को एक्सक्लूडेड है पर बाकी जो रेस्ट ऑफ द वुमेंस है उन सबको इनकी बेनिफिट मिलती है डायरेक्ट कैश uh, जो होती है उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाती है इट इज़ टू बी डायरेक्ट बैंक बेनिफिट कैश ट्रांसफ़र इट इज़ हेल्प टू द वुमेन कि वो उन वो जो अमाउंट है वो उनके न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करने के लिए यूज़फुल रह पाए उसके साथ साथ ये जो स्कीम का अनाउंसमेंट जो था वो 2016 सिक्सटीन ऑफ दिसंबर को अनाउंस किया गया था द एलिजिबल बेनिफिशरीज़ जो होते हैं इस स्कीम के लिए दे कैन दे यूज़ टू रिसीव द इंसेंटिवस अंडर द जननी सुरक्षा योजना फॉर द इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी ठीक है तो जननी सुरक्षा योजना इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज़ के लिए भी एलिजिबल होते हैं ठीक है जो भी बेनिफिशरीज़ यहाँ पे होते हैं उसके साथ साथ इंसेंटिवस उनको रिसीव किए जाते हैं अंडर दिस जननी सुरक्षा सुरक्षा योजना विल बी अकाउंट टूअर्ड द मैटरनिटी बेनिफिट सो दैट द एवरेज वुमेन जो है उनको सिक्स थाउजेंड रुपीज़ तक मिलते हैं ठीक है तो ये हो गया प्रधानमंत्री जन आरोग्य uh, वंदन योजना के बारे में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कन्विक्ट फॉर्मर कमांडर इन अ नोटेरियस युगांडा रिबेल ग्रुप द लॉर्ड रेजिस्टेंस आर्मी ऑफ अ डजन ऑफ अ वॉर अ क्राइम एंड द क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी रेंजिंग फ्रॉम द मल्टीपल मर्डर टू द फोर्स मैरिजेस ठीक है तो इंटरनेशनल कोर्ट आ, क्रिमिनल कोर्ट है उन्होंने कन्विक किया है फॉर फॉर्मर कमांडर को ठीक है अभी इसी के बारे में अगर डिटेल देखा जाए तो अब यहाँ पर जो डिस्कस किया है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ठीक है ये केस उतना इंपॉर्टेंट ना होते हुए यहाँ पर जो क्रिमिनल इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है उसके बारे में जानना इम्पोर्टेंट हो जाता है तो ये जो कोर्ट है इट इज़ लोकेटेड एट द हेग एंड ये कोर्ट uh, जो होता है इट इज़ अ लास्ट रिजॉर्ट फॉर द प्रोजीक्यूशन ऑफ अ जिनोसाइड वॉर क्राइम्स एंड द क्राइम अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी इट इज़ द फर्स्ट परमानेंट ट्रीटी बेस्ड इंटरनेशनल कोर्ट है जो इस्टेब्लिश किया गया है टू हेल्प एंड इम्प्यूटी फॉर द परपिट्रिएटर फॉर अ मोस्ट सीरियस क्राइम विच आर मेजर कंसर्नस अंडर द इंटरनेशनल कम्युनिटी एंड ये जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल कोर्ट है ठीक है इट इज़ फाउंडिंग टिटी जो है इसकी रोमन uh, स्टेट्यू में हुई थी एमफोर्स इन द जुलाई फर्स्ट ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी फंडिंग अगर देखा जाए इस कोर्ट में तो ऑल द कोर्ट एक्सपेंसेज आर बिंग फंडेड प्राइमरली बाय द स्टेट पार्टीज ठीक है एंड इट इज़ ऑल्सो वॉलेंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन रिसिव करता है जैसे कि डिफरेंट गवर्नमेंट या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल कॉरपोरेशंस और अदर एंटिटीज़ ठीक है इस तरीके से फंडिंग होती है इस कोर्ट की कुछ कंपोजिशन और वोटिंग फैक्टर्स अगर देखा जाए तो कोर्ट का मैनेजमेंट जो होता है ओवर सीट एंड लेजिस्लेटिव बॉडी असेंबली ऑफ अ स्टेट पार्टीज कंसिस्ट ऑफ वन रिप्रजेंटेटिव फ्राम ईच स्टेट स्टेट uh, पार्टीज जो भी स्टेट पार्टीज होती है इसमें उनके पास वन वोट होता है एंड एवरी एफर्ट्स जो होते हैं हैज़ बी मेड टू रीच द डिसीजन कॉन्सिक्वेंसेस एंड असेंबली जो होती है इट इज प्रिस्क्राइब ओवर बाय द प्रेसिडेंट एंड द टू वाइस प्रेसिडेंट जो इलेक्ट किए जाते हैं थ्री ईयर के टर्म्स के uh, साथ एंड कुछ क्रिटिसिज्म भी है इस कोर्ट के इस कोर्ट के, के इस तरीके इस तरीके से क्रिटिसिज्म है कि इट डजेंट हैव अ कैपेसिटी कि वो अरेस्ट करे किसी भी सस्पेक्ट को डिपेंड अपॉन द मेंबर स्टेट हु आर कॉपरे हु आर एक्टिंग एज अ कॉपरेशन विद दैट पर्टिकुलर कोर्ट क्रिटिक्स ऑफ द कोर्ट आर्ग्यू दैट देर इज अ चेक एंड बैलेंस जो होती है ऑथोरिटी जो होती है वहाँ पर ठीक uh, है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के ठीक है उसमें कुछ इनसफिशियंट चेक एंड बैलेंस की प्रोसीजर है एंड इट इज ऑल्सो बीन अक्यूज बायस एंड एज बीन टूल ऑफ अ वेस्टर्न है कुछ बायस व्यू है उनका इस तरीके के भी कुछ अक्यूज वहाँ पे उनको मिले हैं एंड इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है कैन नॉट माउंट सक्सेसफुल केसेस विदाउट अ स्टेट कॉपरेशन इज अ प्रॉब्लमैटिक फॉर द सेवरल रीजन एंड इट मे बी दैट जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ क्रिमिनल क्रिमिनल कोर्ट है एंड

अब जी एस थ्री से न्यूज़ है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट दैट इज़ ई नाम तो सो फार मोर देन वन पॉइंट सिक्स करोड़ फार्मर्स एंड वन पॉइंट फाइव फाइव लैक ट्रेडर वो रजिस्टर कर, उन्होंने कर दिया है अंडर द ई नाम प्लेटफॉर्म अभी ई नाम प्लेटफॉर्म क्या है ई नाम प्लेटफॉर्म इज़ इट इज़ अ नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट ठीक है जो ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है फॉर द एग्रीकल्चर जिसका मेन एम है फॉर विच विल हेल्प द फार्मर ट्रेडर एंड द बायर कि वो ऑनलाइन ट्रेडिंग थ्रू जो है एक स्मूथ मार्केटिंग uh, कर पाए स्मॉल फार्मर एग्रीकल्चर एग्री बेस्ड क्वान्टियम जो है इट इज़ अ लीगल एजेंसी जो इम्प्लीमेंट करती है ई नाम को एंड इट इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ऑफ अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ई नाम या जो नाम है ठीक है कुछ फॉलोइंग एडवांटेज उसके देखे जाए तो सबसे पहला देखते हैं फार्मर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो जो ई नाम है प्रोमिस प्रमिसेज मोर ऑप्शन फॉर द सेल ठीक है तो ज़्यादातर ऑप्शन मिलते हैं फार्मर्स को फॉर द सेलिंग एंड uh, उसके साथ साथ इट विल ऑल्सो इंक्रीज इज एक्सेस टू द मार्केट थ्रू द वेयर हाउस बेस सेल एंड दस ऑब्लिवेट द नीड ऑफ अ ट्रांसपोर्ट हिज प्रोडस्ट प्रोडक्ट टू द मंडीज लोकल ट्रेडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए इन द मंडीज मार्केट और द मार्केट नाम जो है ऑफर करता है अपॉर्चुनिटीज टू एक्सेस अ लार्ज नेशनल मार्केट फॉर द सेकेंडरी ट्रेडिंग ठीक है तो लार्ज मार्केट की अपॉर्चुनिटी लोकल ट्रेडर्स को मिलती है बल्क बायर प्रोसेसर एंड एक्सपोर्टर एक्सेट्रा उनके बेनिफिट्स अगर देखा जाए तो इससे उनको क्या होता है इनाम के वजह से इट दे विल ऑल्सो एबल टू पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन द ट्रेडिंग एट द लोकल मंडीज मार्केट लेवल थ्रू द इनाम प्लेटफॉर्म देअर बाय रिड्यूसिंग द इंटरमीडियरीज कॉस्ट ठीक है तो इस तरीके से फार्मर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लोकल ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड जो भी बल्क आ, बायर्स प्रो, प्रोसेसर्स होते हैं एक्सपोर्टर्स होते हैं उन उनमें उनके लिए किस तरीके से नाम जो है आ, एक मेजर रोल प्ले करता है या मेजर एडवांटेज क्या है वो हमने कवर कर लिया अब क्या है बजट पोजेस अ टैक्स ऑन ई इंटरेस्ट तो इस बार के जो यूनियन बजट है ठीक है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इस बार अनाउंस किया है अ डिसीजन ऑन अ टैक्स इंटरेस्ट इनकम ऑन अ एनुअल एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड द वॉलटरी प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन ऑफ ओवर रुपीज टू पॉइंट फाइव लैख इसके इम्प्लिकेशन क्या होंगे जो इंटरेस्ट रहेगा ठीक uh, तो है इनकम अर्न बाय द इंडिविजुअल विल भी टैक्स एट द करंट इनकम टैक्स रेट इफ़ द कंट्रीब्यूशन एक्सिस्ट रुपीज फाइव पॉइंट सॉरी टू पॉइंट लैख पर एन एम तो सेम रूल जो है होते हैं वो अप्लाई किए जाएंगे टू द वॉलटरी प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए ठीक है एंड इट विल बी नॉट ओनली अप्लीकेबल टू द एम्प्लॉय जो शेयर करते हैं टू द प्रोविडेंट फंड एंड नॉट टू द एम्प्लॉयर ठीक है एम्प्लॉयज़ जो शेयर करते हैं टू द प्रोविडेंट फंड एंड इट इज़ नॉट अप्प्लीकेबल टू द एम्प्लॉयर ठीक है तो ये हो गया इसके इम्प्लीकेशन कुछ इम्पैक्ट अगर देखा जाए तो ये जो मूव अब ये जो बजट में अनाउंस हुई है तो ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगी हाई इनकम अर्नर्स को और अ हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल को हु मेक अ लार्ज वॉलेंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड एनुअली इसकी नीड क्यों थी तो सो फार मेनी पीपल हु ऑफ अ मनी एनुअली टूवर्ड्स द एम्प्लॉय एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड अर्न अ इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम इट विदाउट पेइंग अ टैक्स ऑन विदाउट पेइंग एनी टैक्सेस ठीक है तो इसकी वजह से क्या होता था एक एनुअवली इज बिंग क्रिएटेडिस एंड दिस एंड द लेटेस्ट मूव कहीं ना कहीं हेल्प करेगा टू रिस्टोर द इक्वेलिटी एंड डिस्करेज करेगा uh, जो भी uh, प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन होती थी ठीक है इनिशियली तो उसको अवॉइड करने के लिए अब यहाँ पे जो दी है एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ठीक है यहाँ पे जो है एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड तो उसके बारे में अगर डिटेल देखा जाए तो इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल द कंपनी जहाँ पे एम्प्लॉय ट्वेंटी से ज़्यादा होते हैं टू कंपाइल विद द एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट एज पर दिस स्कीम जो भी एम्प्लॉयर होता है एज वेल एज द एम्प्लॉई ठीक है आर रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट सम पार्ट ऑफ द मंथली सैलरी टू द एम्प्लॉय एम्प्लॉय जनरली ट्वेल्व पॉइंट ट्वेल्व इन्प्लॉई प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट ठीक है तो उनको कुछ अमाउंट जो होती है मंथली सैलरी की उनको इन्वेस्ट करना पड़ता है यहाँ पे है दूसरा है वॉलेंटरी प्रोविडेंट फंड तो इसका नेम जैसे सजेस्ट किया है तो वॉलेंटरी स्कीम है जो अलाउ करते हैं एम्प्लॉय को टू वॉलेंटरी कॉन्ट्रीब्यूट इन दिसर कॉन्ट्रीब्यूटिंग ट्वेल्व परसेंट एज पर द ठीक है ये इसको कंट्रीब्यूट करने के बाद भी ठीक है ये एडिशनल होता है वॉलेंटरी वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं आफ्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड जो इंटरेस्ट रेट लगता है यहाँ पे ठीक है वॉलेंटरी प्रोविडेंट फंड में इस सिमिलर जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में लगता है एंड जो एम्प्लॉयज़ होते हैं कैन कॉन्ट्रीब्यूट अप टू हंड्रेड ऑफ देयर सैलरीज की फीचर्स अगर देखे जाए तो अप्लीकेबल किसके लिए है ओनली सैलरी वर्किंग प्रोफेशन कैन ओपन दिस प्रोविडेंट फंड अकाउंट्स कॉन्ट्रीब्यूशन अगर देखा जाए फॉर द एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड मिनिमम कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉयर इज ट्वेल्व परसेंट ऑफ़ बेसिक पे एंड अ डियर अलाउंस ऑफ द एम्प्लॉय एंड अभी ये जो होता है वॉलेंटरी प्रोविडेंट फंड एंड एम्प्लॉय कैन कंट्रीब्यूट एनी अमाउंट अप टू हंड्रेड परसेंट ऑफ़ द सैलरी प्लस द डियरनेस अलाउंसेस ठीक है तो ये हो गया फीचर्स और फीचर्स uh, के बारे में दैट इज कॉन्ट्रीब्यूशन एंड अपलिकबिलिटी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट तो कॉपरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री उन्होंने प्लान किया है टू डिक्रिमिनालाईज ट्वेल्व ऑफेस एज वेल एज ओमीट प्रोविजन इंटेलिंग द क्रिमिनल लाईबलिटी अंडर द लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट दो हजार आठ फॉर द ग्रेटर ईज़ ऑफ ड्यूंग बिजनेस फॉर द लॉ अबाइडिंग लाइबली लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप अभी यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है तो एक ऐसी टाइप की पार्टनरशिप होती है विथ सम और ऑल द पार्टनर्स हैविंग अ लिमिटेड लाइबिलिटी इफ़ देअर फोर एग्जिबिट करती है एलिमेंट ऑफ अ पार्टनरशिप एंड द कॉपरेशन इसी के अंडर में वन पार्टनर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल और लाइबल फॉर टू द अनदर पार्टनर फॉर द मिसकंडक्ट और द नेग्लिजेंस साइलेंट फीचर अगर देखा जाए लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के तो इसमें क्या होता है इट इज़ अ बॉडी कॉपरेट अ लीगल एंटिटी जो सेपरेट करती है फ्रॉम इट्स पार्टनर एंड बींग अ सेपरेट लेजिस्लेचर जो एक्ट दो हज़ार आठ की इसमें मैंशन है तो ये जो प्रोविजन होते हैं ऑफ अ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट नाइनटीन थर्टी टू वो अप्लीकेबल नहीं होते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में एंड इट इज़ रेगुलेटेड बाई द कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर एवरी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप शाल यूज़ द वर्ड लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और द एक्नम एल एल पी एज अ लास्ट वर्ड ऑफ देयर नेम कंपोजिशन देखा जाए तो एवरी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर्स शाल हैव अ लीस्ट टू डेजिग्नेटेड पार्टनर्स बिंग एन इंडिविजुअल ठीक है एटलीस्ट दो तो होनी ही चाहिए एंड एटलीस्ट वन ऑफ देम बिंग अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया ठीक है तो जो भी पार्टनर हो तो उनमें से एक तो इंडियन होना ही चाहिए और एटलीस्ट दो तो पार्टनर्स होने ही चाहिए एंड ऑल द पार्टनर्स शाल बी द एजेंट ऑफ अ लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एंड अदर ठीक है तो ये जो होता है कि एजेंट जितने भी होते हैं पार्टनर्स लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में से ही होने चाहिए नीड फॉर एंड सिग्निफिकेंस क्या है इसका तो ये जो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप होती है फॉर्मेट इज एन अल्टरनेटिव कॉपरेट बिजनेस व्हीकल जो प्रोवाइड करता है बेनिफिट ऑफ अ लिमिटेड लाइबिलिटी टू द कंपनी बट अलाउ करता है उनके मेम्बर्स को द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ़ द ऑर्गेनाइज इंटरनल मैनेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ अ म्यूचुअल अग्राइव एग्रीमेंट ये फॉर्मेट कहीं ना कहीं इट विल बी अ क्वाइट यूजफुल फॉर द स्मॉल एंड मीडियम सॉरी एंटरप्राइजेस इन जनरल एंड फॉर द एंटरप्राइजेस इन द सर्विस सेक्टर इन द पर्टिकुलर इंटरनेशनली अगर देखा जाए इसी को ठीक है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को आर प्रीफर्ड व्हीकल ऑफ अ बिजनेस पर्टिकुलरली फॉर द सर्विसज इंडस्ट्री और द एक्टिविटीज इंक्लूडिंग द प्रोफेशनल्स ठीक है तो ये हो गया सिग्निफिकेंस के बारे में स्क्वेयर किलोमीटर अरे तो ऑन फिफ फोर्थ स्क्वेयर किलोमीटर अरे ऑब्जर्वेटरी कंसिल हेल्ड इन मैदान मीटिंग हैज एंड अप्रूव द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप ठीक है तो स्क्वेयर किलोमीटर अरे ऑब्जर्वेट्री के बारे में अगर देखा जाए तो एक न्यू इंटर गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन है जो मेनली डेडिकेट करती है टू द रेडियो एस्ट्रोनॉमी एंड इज़ अडक्वाटर इन द यूके एट अ मोवमेंट ऑफ अ ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम अ टेन कंट्रीज एज द पार्ट ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन ठीक है और सॉरी ऑब्जर्वेटरी स्क्वायर किलोमीटर अरे ऑब्जर्वेटरी यहाँ पे कौन से कौन से कंट्री इंक्लूडेड है ऑस्ट्रेलिया कनाडा चाइना इंडिया इटली न्यूजीलैंड साउथ अमेरिका स्वीडन नेदरलैंड एंड यूके व्हाट इज द रेडियो टेलीस्कोप अभी रेडियो टेलीस्कोप क्या होता है इट इज़ अनलाइक द ऑप्टिकल टेलीस्कोप रेडियो टेलीस्कोप जो होता है वो डिटेक्ट कर सकता है इन विजिबल गैसेस को एंड देयर फोर दे कैन रिवेल ए एरिया ऑफ अ स्पेस दैट मे बी ऑब्सटर्ब बाय द कॉस्मिक डस्ट फर्स्ट रेडियो सिग्नल जो है वो डिटेक्ट किए गए थे बाय द फिजिशियन काल जैसी इन नाइनटीन थर्टीज एंड द एरिकिबो टेलीस्कोप जो था इन प्रूटीरो विच वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट सिंगल डिस्क रेडियो टेलीस्कोप इन द वर्ल्ड उसको इट वॉज कोलेब्स इन डिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी एंड दिस टेलीस्कोप वॉज बिल्ड इन नाइनटीन सिक्सटी थ्री अभी यहाँ पे जो डिस्कस किया है आ, आ, मतलब नाम आया है स्क्वेयर किलोमीटर तो अरे ऑब्जर्वेटरी तो स्क्वेयर किलोमीटर अरे टेलीस्कोप के बारे में अगर देखा जाए तो ये टेलीस्कोप जो है इट इज़ प्रोपोज टू बी द लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप इन द वर्ल्ड इट इज़ लोकेटेड इन अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया हुज ऑपरेशन मेंटेनेंस जो होती है जो भी आ, वो सारा उनके तरफ से देखा जाता है एंड द कम्पलीशन इज एक्सेप्टेड टू टेक नियरली अ डिकेड अ कॉस्ट ऑफ ओवर 1.8 पॉइंट एट बिलियन से भी ज्यादा ठीक है तो ये भी एक पॉइंट ध्यान में रखूँ फैक्ट फॉर अदर प्रिलिम्स मोपा हैंडमेड पीपर हैंडमेड पीपर तो इट इज हंड्रेड ईयर ओल्ड हेरिटेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश ये जो आर्ट ऑफ मेकिंग हैंडमेड पेपर

मोंग शुगू uh, भी बोला जाता है वहाँ पे ठीक है ट्रेडिशनली उनके लोकल डिस्ट्रिक्ट में और ये जो मौनपा हैंडमेड पेपर है इट इज मेड अप ऑफ अ बार्क ऑफ अ लोकल ट्रीज कॉलर शुंगु शेंग ठीक है विच इज अ मेडिकल मेडिसिनल वैल्यू कपिला तो गवर्नमेंट हैज लॉन्च कैंपिन जिसका नाम है कलम कलम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस कैंपेन फॉर द इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड क्रिएटिंग पेट एंड अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव देखा जाए इस स्कीम का टू क्रिएट द अवेयरनेस रिगार्डिंग द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इन अ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो एनाबल करेगा इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन एंड उसके साथ साथ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ क्रेडिट कोर्स इन द इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एक्सेट्रा ठीक है तो ये हो गया इसे कैंपेन के बारे में एंड इन दिस वे वी कंक्लूड टू डेज न्यू सेक्शन हैव एन आइसडे थैंक यू